काफी रश है टाउन में। माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आइए आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जा रही हूँ मैं टाउन, कुछ मेरे चीज़ें लेने की, तो साथ साथ व्लॉग भी बना लिए, तो देखते हैं कि टाउन में क्या क्या हो रहा है। साथ साथ देखते रहिए। फ्लावर शॉप में इनको फ्लावर्स को किसी ठंडी जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ठंड है कि ये नॉर्मल बाहर पड़े हुए हैं, इनको फ्रेश है, फ्रेश फ्लावर्स हैं। मार्किट स्ट्रीट में हम आ चुके हैं। ये नमक के इन्होंने बनाए हुए डेकोरेशन पीसेस। हर चीज़ की प्राइस साथ लगी हुई है, किसी को बताने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश फ्लावर्स और साथ आई थिंक ये धनिया लगा हुआ है, सॉरी प्याज लगे हुए हैं। धूप निकली हुई है, काफ़ी रश है टाउन में। आज काफ़ी रश है धूप की वजह से। हम बनाएंगे खुद घर में, उसी पट्टी से रोल भी बनाएंगे। और डो मेरी रेडी हो चुकी है, इसके हम पोर्शन डाल लेंगे। रोटियां बेल लेंगे। पेड़े बना के हम इनकी पट्टी बेल लेंगे। ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा मैदा ऊपर लगाएंगे। तवे पे हम इसको इतना गर्म करेंगे
ये उसका ऊपर वाला कलर जो चेंज हो जाए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, अभी हम इसको अलग कर लेंगे। ऐसे ही हम तेल गालेंगे बारी बारी सबको बेल के। हर लेयर पे आपने पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद आपने पतली सा मैदा लगा लेना है। ऐसे ही हम ऑयल लगाएंगे पहले। किनारों पे आपने खास तौर पर लगाना है। अभी दो मैंने आपके सामने बनाए हैं, बाकी मैं तैयार करके आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी तो वेलकम बैक। ये मैंने 5 तैयार की हैं, अभी इसका शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तवे को मैंने स्लो फ्लेम पे गर्म होने रख दिया, तभी हम इन सब को इकट्ठा बेल लेंगे। देख सकते हैं कि आप इसमें कितनी बन गई है स्पेस। आराम से और एहतियात से हम इनको अलग कर लेंगे। काम मेरा मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपसे आज ये पट्टी की रेसिपी शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा तरीका। पसंद आए तो दो में ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।